हे दोस्तों, संगम मल्होत्रा के खिलाफ गुरदासपुर, बटाला और अमृतसर के थानों में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसका जन्म अमृतसर के गिलवाली गेट में हुआ था और इसने इसकी स्कूल की पढ़ाई अमृतसर से ही की थी। यह बचपन में काफी जिद्दी स्वभाव का था और हमेशा जो भी कहता था उसे करके दिखाता था। 16 साल की उम्र में ही यह जुर्म की दुनिया में उतर गया और मोहल्ले की छोटी मोटी लड़ाइयों में इसका नाम आने लगा था। इसी दौरान इसकी दुश्मनी कांग्रेसी नेता जोगिंदर पाल गिंदा और गैंगस्टर हरिया के साथ हो गई थी और यह गिंदा तथा हरिया को खत्म करना चाहता था। 2013 में संगम पहली बार जेल गया था। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। जेल में इसकी मुलाकात जग्गू भगवानपुर से हुई। 5 महीने जेल में रहने के बाद जब यह बाहर आया तो बाहर आने के बाद यह जग्गू की गैंग में शामिल हो गया। इसके कुछ महीने बाद ही जग्गू भी जेल से फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार जग्गू को भगाने में संगम की मुख्य भूमिका थी। इसके बाद जग्गू और संगम एक साथ रहने लगे और इसी दौरान संगम ने अपने जानी दुश्मन गिंदा और हरिया पर कई बार हमला किया, पर हर बार वो बच गए। इसके अलावा अगस्त 2014 में संगम ने वेरका के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रधानी को लेकर गोलियां चलाई थी। सितंबर 2014 में संगम ने जग्गू के साथ मिलकर पेरोल पर जेल से बाहर आए गैंगस्टर बब्बा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से संगम की दहशत पूरे अमृतसर में और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2014 को बटाला में संगम ने एक व्यापारी से 24 लाख रुपए लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी। अक्टूबर 2014 में ही दिवाली की रात संगम ने अपने दुश्मन हरिया पर हमला किया। इस हमले में हरिया तो बच गया था, पर उसका एक दोस्त गोली लगने की वजह से मारा गया था। इसके बाद हरिया और संगम एक दूसरे को खत्म करने की साजिश बनाने में जुट गए। नवंबर 2014 में कुछ बदमाशों ने संगम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संगम के घर वालों के अनुसार हत्या वाले दिन संगम मोहल्ले में बनी पीर बाबा की दरगाह पर मत्था टेकने गया हुआ था। इस बात की भनक संगम के दुश्मन गिंदा को लग गई और उन्होंने संगम पर गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में एक गोली संगम के सीने में लग गई, जिस वजह से मौके पर ही संगम की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ पुलिस के अनुसार इस हत्या को गुज्जरपुरा निवासी सामल ने अंजाम दिया था। इसी वजह से पुलिस ने सामल को गिरफ्तार कर लिया था। इस हत्या के 2 साल बाद संगम के भाई बॉबी मल्होत्रा ने गिंदा की हत्या कर संगम की मौत का बदला ले लिया था। दोस्तों, तो कुछ ऐसी है संगम मल्होत्रा की कहानी। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।